ये दुकान में आप लोगों को बता दूं, अगले पॉर्क की ऑयल सील है जो लीक कर रही थी अपनी, माइलेज होता होगा ये इसके शॉकअप्स रखे हुए हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ओल्ड दुकान, ये गाड़ी हमने कल ही परचेज करी है। मतलब कहीं नहीं तो कहीं नहीं 40 साल पुरानी शॉप है ये। शॉप है तो बचपन से देख रहा है अपन इसको। फिलहाल अभी गाड़ी के लिए सही जजमेंट यही कर पाएंगे, यही कर पाएंगे। और अभी इस गाड़ी में आप क्या काम करवा रहे हो लेने के बाद? एक प्लेन सर्विस और साइलेंसर चेंज करवा के, ऑयल सील है अगले शॉकअप की, डिस्क ब्रेक पैड। अच्छा, और अभी शायद जो साइलेंसर इसके अंदर लगा है वो जो उस पर जंग आया है वो शायद इसी वजह से आया है क्योंकि जंग पुराना है, वो लोकल भी है। लोकल भी। ये जो आप ओरिजिनल, हाँ ये जो लेकर आए हो ये ओरिजिनल है, ये नीचे रखा हुआ है। और ये उस सेगमेंट में ये गाड़ी आती थी, रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 2010। मगर आप स्टिल इस गाड़ी का लुक देखो, मुझे अभी भी तकरीबन ये खड़ी थी 5-1 साल से खड़ी हुई गाड़ी, उसको दोबारा रिवाइव किया हमारे एक फ्रेंड ने, ताहिर भाई ने। हाँ, पर ताहिर भाई ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा के सीधे मुझे। अच्छा, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र। अच्छा, तो मतलब मैं अभी सेकंड ओनर होऊंगा। और वरना ये गाड़ी अगर आज की डेट में ढूंढने जाओ तो मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ किसी के पास होगी। हाँ, बहुत ओईएम कंडीशन। अभी आप देख सकते हैं ये जो साइलेंसर रखा हुआ है ये ओरिजिनल है, और वो जो उसके अंदर लगा है जिसपे जंग आया है वो लोकल है। बाकी गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, 2010 मॉडल है, लेकिन स्टिल कोई उसके अंदर सब चीज़ें वर्किंग है। और अभी उसकी एक जनरल सर्विस हो रही है। ये सामान ले आए, ये फिल्टर है इसके अंदर और अदर चीज़ें कौन सी? ऑयल फिल्टर है, वायर है। अच्छा, ऑयल सीलें हैं, सस्पेंशन है। अच्छा, और कुछ फिल्टर के कंपोनेंट्स हैं, पीछे का रिफ्लेक्टर फोन है। अच्छा, मतलब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ कराने की ज़रूरत है। एक बाइक का मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल अच्छा, इसके शॉकअप सीलें भी चेंज हुई हैं आई थिंक, ये इसके शॉकअप्स रखे हुए हैं। और आपने शायद शॉकअप्स की सील्स भी चेंज करवाई? हाँ, वो लीक थी है ना, शायद पहले से थी। हाँ, वो लीक ओरिजिनल सील्स थी, वो लीक थी तो हमने चेंज करवाया। बहुत सही। तो अब इसका जो शॉकअप भी है वो बहुत प्रॉपर काम करेंगे। और पीछे के शॉकअप तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कितने हैवी शॉकअप हैं। आई थिंक ये पल्सर में आते हैं हमारे, नाइट्रो है ना? नहीं, पल्सर में भी ना काफ़ी लेट मॉडल्स में नहीं आए थे। अच्छा, और हैवी शॉकअप आके बंद हो गए थे, फिर बाद में दोबारा कहाँ पल्सर में DDSI में कंटिन्यू आज हो गए, हो गया अपना। और ये जहांगीराबाद में जो एक शॉप है, माइलेज होता होगा इसका, फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूँ, अराउंड 25-30 तो ईजिली देती है। हाँ, करेक्ट है, क्योंकि पावर भी काफ़ी है गाड़ी के अंदर हमने। हाँ, और मैंने बताया जैसे लो एंड हाई एंड दोनों में बहुत परफेक्ट। हाँ, अब फाइनली के उसके फिल्टर को साफ़ कर रहे हैं और फिल्टर भी आ चुका है। तो अब भैया का नाम क्या है? शुएब। हाँ, शुएब सैफ। अच्छा, सैफ भाई अब गाड़ी के अंदर काम करेंगे। कभी भी आप लोग आएँ रॉयल इनफील्ड में काम कराना हो या कोई भी गाड़ी हो तो सैफ भाई से ज़रूर मिलें यहाँ पे आके, और अच्छा काम करते हैं गाड़ी। देखिए सैफ भाई ने अब ये फिल्टर का जो एक कंपोनेंट है इसको क्लीन कर लिया है, फिल्टर उनके हाथ में। कितने किलोमीटर के बाद इसको चेंज कर देना चाहिए? भाई अपनी रनिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर अपनी रनिंग डेली की 30-35 किलोमीटर की है। हाँ, इसको 1 महीने के अंदर चेंज, एक महीने। अच्छा, हाँ, जो लोग कम चलाते हैं उनका काफ़ी कोई उसमें इशू नहीं है। अच्छा, नॉर्मल चलता। इसका पर्पस क्या रहता है? मतलब मेरे हिसाब से शायद एवरेज जो होता है और गाड़ी इसका एवरेज से इतना वो इम्पैक्ट नहीं रहता। अच्छा, इसका ये रहता है कि इंजन के अंदर एयर कंप्रेस होती है। अच्छा, अगर एयर साफ नहीं जाएगी तो दिक्कत होती है। हाँ, तो इंजन के अंदर धूल मिट्टी वगैरह सब इसी से क्लीन होती है। ओके,
तो ये बहुत आसानी से फिट हो गया है। और ये बाकी की जो चीज़ें आई हैं ये हम किस में यूज़ करेंगे? ये भाई अपना अगले पॉर्क की ऑयल सील है जो लीक कर रही थी अपनी। अच्छा। और बाकी अदरवाइज अपना मीटर केबल है। अच्छा। मीटर के लिए जो अपना मीटर वर्क नहीं कर रहा था वो चलने लगेगा फिर। अच्छा, सेफ बाई की खासियत ये है, मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोई भी काम की उनको जल्दी नहीं है, मतलब आम तौर पे जो इंसान होता है वो बहुत फास्ट ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बस जल्दी जल्दी फिटिंग करी नॉर्मली। लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ कि बहुत इत्मीनान से और ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा है, एक एक कंपोनेंट को क्लीन कर रहा है उसके बाद फिर लगा रहा है, तो ये एक खासियत होती है अच्छे मैकेनिक की। तो ये नहीं कि बस जल्दी से करा कि हाँ आप गाड़ी आगे बढ़ा हो गया मैं। अच्छा, ये सेफ भाई ये क्या है जो आपने चेंज करा? आई थिंक ये पुराना था जो ख़राब हो गया। अच्छा अच्छा, ये चीज़ अपन ने बोली नहीं थी शायद, वो खुद ही लेके आ गए थे भाई। देखो आप, मतलब ये डिटेलिंग होती है और ये बहुत मायने रखती है। ये देखिए आप, ये जो लगा है ना ये नया लगा है, और इसके बैक ऑफ द साइन जो इसका दूसरा पीस है वो नहीं था, वो भी नया लगा है। अब ये जो वो ठीक कर रहे हैं ये पेट्रोल की केबल है, और जिससे पेट्रोल बताता है गाड़ी में मीटर पे कि कितना है कितना नहीं है, तो ये वर्किंग में है नहीं गाड़ी का अभी। हाँ भाई, शायद बाहर ही निकला था बस, है ना? बाहर निकला था। अच्छा, लगने के बाद देखनी चालू। अच्छा, इनकी सर्विस भी सेफ भाई कितने टाइम बाद कराना चाहिए शॉकअप्स की? अगर अपना ऑयल चेंज होना चाहिए कितना एक किलोमीटर है फिर भी? लगभग 5000 किलोमीटर पे। अच्छा, मतलब चेक करा लेना चाहिए। ऑयल बदलना है, ऑयल चेंज होता है, अगर खराब हो जाता है तो सील भी चली जाती है। मतलब कुछ लोग ज़्यादातर मेरे हिसाब से सर्विस करवाते हैं और थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जब भी सीले भी जाते हैं। हाँ, और अगर इनकी भी हम ऐसी सर्विस कराते रहे तो मुझे नहीं लगता ये ख़राब होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। ये नई सील है जो कि भाई ने लगा दी है, और ये ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से हमारा ऑयल बाहर आ रहा था चलती गाड़ी में। ये थंडरबर्ड की नेम प्लेट है, देख सकते हैं आप, इतनी अच्छी लग रही है। पुरानी वाली की हालत कुछ ऐसी हो गई, ये कट गई है ऑलमोस्ट। ये दुकान मैं आप लोगों को बता दूं, ये जस्ट चौराहे के सामने जहांगीराबाद स्क्वायर के। ये एक नया दोस्त आया है और ये पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है मुझ पे, या तो भूख लगी है। हाँ नहीं, इसको पास भी नहीं आना दूर भी नहीं जाना, क्या चाहती हो?